अपनी दहाड़ की गूंज से उठा देने के लिए एक बार फिर आ रहा है सिंघम अगेन के साथ। पर इस बार सिंघम अकेला नहीं, अपनी पूरी शेरों की टोली के साथ आएगा। रोहित शेट्टी पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अपनी देवगन फैमिली के साथ ला रहे हैं सिंघम का एक नया पहलू सिंघम अगेन के साथ। इसके रिलीज के अनाउंसमेंट कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार सिंघम अगेन 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। सिंघम अगेन जो एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म साबित होने वाली है, जिसमें आपको बड़े बड़े एक्ट्रेस एक टोली में एक जोड़ी में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अजय देवगन उर्फ बाजीराव सिंघम, रणवीर सिंह उर्फ सिम्बा, सूर्यवंशी के अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और अर्जुन कपूर सिंघम अगेन में जान भरने का काम करेंगे। इसके बजट की बात करें तो सिंघम अगेन का बजट 200 करोड़ रहेगा। सिंघम जो 2011 में 410 मिलियन का बजट लेकर रिलीज हुई थी, उसने रिलीज के पहले दिन ही 876 मिलियन की कमाई की थी और पूरी दुनिया भर में 1.75 बिलियन की कमाई कर एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर साबित हुई थी। उसके बाद 2014 में बाजीराव सिंघम सिंघम रिटर्न्स में आए और सिंघम रिटर्न्स को भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर बनाया। लेकिन इसका सिलसिला रुका नहीं। रोहित शेट्टी इसी फ्रेंचाइजी से जुड़ी सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी एक्शन फिल्म्स अपने दर्शकों के लिए लेकर आए। रोहित शेट्टी सिंघम की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए अब ला रहे हैं सिंघम अगेन, जिसमें आपको सिर्फ एक शेर बाजीराव सिंघम दहाड़ते हुए नहीं दिखेंगे। इसमें आपको सिम्बा के शेर रणवीर सिंह, सूर्यवंशी के शेर अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे। अब अगर शेरों की टोली आएगी तो उनके सामने एक ना एक गीदड़ तो भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गीदड़ कौन? गीदड़ का तो नहीं पता, पर आपको इसमें विलन के किरदार में अर्जुन कपूर जरूर दिखाई देंगे, जो इन शेरों की टोली के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती देंगे। तो इन शेर और गीदड़ों की लड़ाई देखने के लिए तैयार हो जाइए। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को सुबह देश को सलामी देने के बाद सिंघम अगेन में भारत के कोर्प्स की वफादारी को देख उन्हें सलाम करें। इसी से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं गीत विद कैमरा पर्सन नॉडी, वी यू वन न्यूज़।